sum number 4. If you see sum number 4, the heights are already given. AB is equal to how much? 6. And DC is equal to 8 over here. And you have to find out the area of the triangle ABC and triangle, ratio of the area of the triangle ABC to triangle DCB. Now they have already given angle ABC, that is angle B is 90 degree and angle C is also 90 degree. Jo beech wala letter rehta hai, वो हमेशा वो पर्टिकुलर एंगल लेना चाहिए. अगर 90 दिया है तो बीच वाला क्या है? बी. तो बी 90 हो गया. यहाँ पे बीच वाला क्या है? सी. तो सी हो गया 90 डिग्री. सो ये 90 डिग्री है तो दिस बिकेम द हाइट. ये 90 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो द हाइट. दोनों भी हाइट है. ये साइन देख के पहचानने को होना चाहिए कि हाइट कौन सा है. नाउ ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है सी और डी सी का वैल्यू 8 दिया है. फाइंड आउट द रेशियो. नाउ इफ़ यू सी दोनों भी ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी दोनों का हाइट एक ही बेस के ऊपर है बी सी, तो बेस दोनों का इक्वल है. तो ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस, सो दे विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाइट. इन ए बी सी व्हाट इज द हाइट? ए बी. एंड व्हाट इज द हाइट ओवर हियर? सी डी. दैट्स इक्वल टू हाउ मच? ए बी इज इक्वल टू 6 एंड सी डी इज इक्वल टू 8. When you cancel this, you will get what? 3/4. So the answer is what? 3/4. So area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to 3/4. So this is your answer.